सीएन इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के मध्य विद्यालय चेला में हूँ। यहाँ विद्यालय की स्थिति से अवगत होने यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हैं। सबसे पहले मैं इनसे भी परिचय लूंगा। सर अपना परिचय बताइए। मैं राजेश कुमार पांडे उत्क्रमित मध्य विद्यालय चेला के प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर हूँ। चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी जी। अच्छा ये बताइए सर कि विद्यालय में आपके विद्यालय में ये कहाँ से कहाँ तक क्लास चलती है? मेरे विद्यालय में 1 से 8 तक क्लास है। जी। कितने छात्र छात्राएं हैं? छात्र छात्राएं 189 है। जी। शिक्षकों की संख्या क्या है? 10 है, 10। 1 से 8 क्लास तक चलाने के लिए आपके पास पर्याप्त रूप से कैमरा नहीं है, कैमरा रूम जो है कैमरा नहीं है, ये चापाकल भी दिखाई नहीं देता। क्या स्थिति है विद्यालय की, वस्तु स्थिति क्या है उससे अवगत कराइए। ठीक है, विभाग को दिए हैं, विभाग भी बहुत जल्द करने वाली है। विभाग का चिंता है कि हम विद्यालय का विकास करें। जहाँ तक मेरे कमरों की व्यवस्था है तो 2 कमरा है 3 कमरा था, 1 कमरा जर्जर होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बच्चों को बैठने में वो सर पे छत गिरने का भी डर रहता था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एक चीज बताइए सर, ये जो आपके विद्यालय में कमरा 2 है, 8 तक क्लास चलता है, तो आप क्लास को एडजस्ट कैसे करते हैं? बरसात के मौसम में, जाड़ा के मौसम, अधिक ठंडा होने पर या धूप के मौसम में आप उसको एडजस्ट कर सकते कैसे करते हैं? देखिए, जाड़े के मौसम में हम ज्यादा शीतलहरी गिरता है तो हम क्लास में रूम में ही चलाते हैं। उसको बैठने के लिए तिरपाल और 2 दरी का भी व्यवस्था किया है और 1 रूम में 6 to 8 चलाते हैं। ज्यादा संख्या आने के बाद में हम दरी बिछा कर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक चीज बताइए सर, आपके यहाँ 1 to 8 क्लास तक छात्र हैं, उनको बैठने के लिए उपस्कर में क्या है? मेरे बैठने में बच्चे को बैठने के लिए बेंच है, तिरपाल के। कितना बेंच है? बेंच है 17 और मेरे तिरपाल है, तिरपाल 2-3 के संख्या में है और 2 दरी है, दरी भी न्यू है और दरी पे ही हम बच्चे को बिठाते हैं। तिरपाल बिछवाते हैं, इसके ऊपर दरी बिछवाते हैं ताकि शीतलहरी से ठंडे से बचे। आपके पास मेनू के अनुसार खाना बनता है? बच्चों से पूछ लीजिएगा सर कि मेरे विद्यालय में चावल, आपको एक बोरी में चावल कितना किलो होता है ये बताइए। लमसम 50 किलो। 50 किलो पूरा मिल जाता है? हाँ, 50 किलो मिल जाता है। छात्रों को अभी तक किताब मिला है कि नहीं? उनको पोशाक की कब तक मिला है पोशाक राशि, इसके संबंध में? 23-24 में पोशाक राशि मिल चुकी है। जो भी सरकार की योजना है उनको बैंक अकाउंट के माध्यम से खाते पे भेज दिया जाता है जी। और मेरे बच्चा भी 75% ड्रेस में ही आते हैं जी। छात्रों को अभी तक किताब मिला है कि नहीं? उनको पोशाक की कब तक मिला है पोशाक राशि, इसके संबंध में? 23-24 में पोशाक राशि मिल चुकी है। जो भी सरकार की योजना है उनको बैंक अकाउंट के माध्यम से खाते पे भेज दिया जाता है जी। और मेरे बच्चा भी 75% ड्रेस में ही आता है जी। चीज बताइए सर, ये जो आपके विद्यालय में, अब बताइए कि किस चीज की कमी है, क्या होने से और विद्यालय का प्रोग्रेस हो सकता है, विकास हो सकता है, इसको अच्छा रूप से आप कैसे करेंगे? सर सबसे पहले मेरे विद्यालय के विकास में कमरा की आवश्यकता है। टीचर है, पर्याप्त मात्रा में टीचर है, कमरा नहीं रहने की वजह से मेरे विद्यालय में पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और कमरा होगा तो पढ़ाई निश्चित होगा कि अच्छा होगा। शौचालय है? हाँ, शौचालय है। शौचालय है बालक बालिका के? हाँ, बालक बालिका के है। पानी पीने की भी व्यवस्था है और भविष्य में भी हम अच्छा भी करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि जी मेरा विद्यालय जितने में है उतना में अच्छा से चले।
अब आपके विद्यालय के छात्र छात्रों से भी हम मिलना चाहेंगे सर थोड़ा सा। किस क्लास में पढ़ती हो? एट क्लास में। क्या नाम हुआ? सुरभि कुमारी। सुरभि कुमारी नाम हुआ, आठवां क्लास में पढ़ती है। किताब मिल गया है कि नहीं सब? हाँ। ड्रेस का पैसा मिला है? ड्रेस मालूम है। ड्रेस पोशाक का पैसा मिला है कि नहीं इसको, ये मालूम नहीं तुमको? मेरे पापा के खाते पे जाता है। तुम्हारा खाता नहीं है? चलो ठीक, तुमको ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? नया नाम है जी, ठीक। ड्रेस का पैसा मिला है आपको? यस। क्या नाम हुआ? आदर्श कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स क्लास में। सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। पोषाहार भोजन मिलता है मेनू के अनुसार मिलता है कि जैसे तैसे? मेनू के अनुसार मिल जाता है। आज क्या मिलेगा खाना में? चावल सोयाबीन की सब्जी मिली। किताब का मिल गया है? ड्रेस का पैसा? हाँ। किस क्लास में? सिक्स क्लास में। क्या नाम हुआ? अमर कुमार सिंह।